What do I want most? बस डिफरेंस यही है कि हम लोग वारंटी इससे ज़्यादा देते हैं आपको, सुजुकी से ज़्यादा वारंटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारा 19.39 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि नमस्ते, तो मेरा नाम अभिषेक रोशन, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल द व्हील ड्राइव पर। तो आज अगेन आपके सामने है टोयोटा के अर्बन क्रूजर हाई राइडर। अर्बन क्रूजर हाई राइडर में काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन आज आपके सामने है टॉप एंड वेरिएंट नियो ड्राइव का, और ये ऑटोमेटिक में है। आप बहुत सारे मैनुअल गाड़ी देखे होंगे, लेकिन ऑटोमेटिक में भी ये गाड़ी आती है, आज आपको दिखा देते हैं। तो गाड़ी काफ़ी बोल्ड आपको देखने में लगती है, लेकिन आप कन्फ्यूज हमेशा रहते हैं कि ग्रैंड विटारा लिया जाए या अर्बन क्रूजर हाई राइडर लिया जाए। तो पहले सबसे पहले ये डिस्टिंग्विश कर लीजिए कि अर्बन क्रूजर और अर्बन क्रूजर हाई राइडर दोनों अलग गाड़ी है। तो ये है अर्बन क्रूजर हाई राइडर। अर्बन क्रूजर अलग कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट हो गया, और अर्बन क्रूजर हाई राइडर आपको एसयूवी सेगमेंट में आने लगी है। तो आज हम लोग जानते हैं हमारे टोयोटा के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव सरहद सर से। पहले वेलकम कर लेते हैं सरहद सर को, और हम लोग जानते हैं कि टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर में ऐसा क्या आता है जो ग्रैंड विटारा में नहीं आता है, और क्यों हम लोग को अर्बन क्रूजर प्रेफर करना चाहिए हाई राइडर को। इसमें आपको क्या ऐसा स्पेशल मिलता है? ग्रैंड विटारा में भी काफ़ी सारे फंक्शन डाल दिए गए हैं और काफ़ी प्रीमियम बना दिया गया है जैसा कि आप जानते हैं, और हाई राइडर भी काफ़ी प्रीमियम गाड़ी बन चुकी है। तो सर ही बताएंगे कि क्या फैसिलिटी इसमें मिलता है और क्या ऐसा चीज़ मिलता है जो ग्रैंड विटारा को एक लेवल डाउन कर देता है। सबसे पहला चीज़ अगर बात करें सर, ग्रैंड विटारा और आपका अर्बन क्रूजर हाई राइडर दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे गाड़ी तैयार होती है जी। बस डिफरेंस यही है कि हम लोग वारंटी इससे ज़्यादा देते हैं आपको, सुजुकी से ज़्यादा वारंटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारा स्टैंडर्ड वारंटी 1,00,000 किलोमीटर 3 साल है, और उसका आपको जो ग्रैंड विटारा है उसका आपको वारंटी 40,000 + 2 साल मिलता है। इसमें हम लोग कंपीट कर लेते हैं कि हम 2 साल आपको एक साल ज़्यादा वारंटी देते हैं प्लस 60,000 किलोमीटर ज़्यादा, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होता है कस्टमर्स के लिए। और अगर लुक की बात करें सर, लुक में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि इसका बोल्ड एंड आर्केलिक ग्रिल है, प्लस इसका क्रोम फिनिश्ड आपको अगर देखेंगे DRL पे अटैच होकर के आपका ये लोगो तक आता है। और इसका लोगो जो रिप्रेजेंट करता है सर, QDR, क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, ये हमारा QDR फॉलो हो रहा है 1937 से, जो आज तक टोयोटा फॉलो कर रही है। कस्टमर के साथ कैसा रिलेशन बनाना है, ट्रस्ट बनाना है, वो बिल्ड करती है सर टोयोटा, वो आपको सुजुकी में नहीं मिलता है। प्लस और अगर इसका एक बात करें सर, इसमें एक 360 डिग्री कैमरा दिया है जो आपको ग्रैंड विटारा में भी है, बट हमारे कैमरा का जो क्वालिटी है वो उससे काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप इसका क्लियरिटी देखेंगे तो काफ़ी विजिबल होता है सर इसका। एक डाउट मेरे दिमाग में जहाँ आया इसमें, कि लोगों का कहना है कि गाड़ी दोनों सेम प्लेटफॉर्म पर बना है, बिल्कुल, तो ये कैमरा का कैसे मसला आ रहा है कि वो उसका कैमरा अलग है और इसका कैमरा अलग है? कैमरा का मसला इसलिए अलग आ रहा है सर, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि टोयोटा क्वालिटी फॉलो करती है, QDR पॉलिसी इसका 1937 से फॉलो हो रहा है, जिससे हमारे गाड़ी का जो फीचर्स है, कुछ फीचर्स है जो डिफरेंट होता है आपको ग्रैंड विटारा से। जैसे कि मैंने कैमरा का बात किया, अगर आप कैमरा देखेंगे सर तो आपको खुद डिफरेंट पता चल जाएगा कि उसमें क्या डिफरेंट है और इसमें क्या डिफरेंट है। और एक और चीज़, इसमें जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वो ग्रैंड विटारा में भी देखा कि ये दोनों गाड़ी में फॉग लाइट्स नहीं आते हैं। बिल्कुल सर, फॉग लाइट नहीं देने का मेन रीज़न ये है सर कि इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया है, जो कि आपको बॉटम साइड में है, वो आपका गाड़ी को पूरा फोकस करता है जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट करना होता है। लाइक प्रोजेक्टर का आपको सेम यही फंक्शन होता है कि सर जहाँ पर आपको लाइट देखना है वहीं पास बस प्रोजेक्ट करता है, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा अगर इसमें LED आपको फॉग लैंप नहीं दिया है। तो सामने से गाड़ी काफ़ी बोल्ड है, ग्रैंड विटारा भी बोल्ड है, ऐसा नहीं है, ग्रैंड विटारा भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, लेकिन सामने से गाड़ी बोल्ड है। और भैया का जहाँ पॉइंट रहा है कि वारंटी और टोयोटा की रिलायबिलिटी और कस्टमर बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब चलिए साइड प्रोफाइल में हम लोग आते हैं और देखते हैं कि क्या आपको ऑफर करता है और क्या डिफरेंस लगता है लुक में। साइड प्रोफाइल का अगर बात करें सर, तो सबसे पहला चीज़ आपको 17 इंच की अलॉय व्हील मिल जाती है, जो कि काफ़ी स्पेशियस होती है, विथ 210 mm ग्राउंड क्लियरेंस, जो ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। अगर आप किसी भी हिल साइड में जाते हैं या ऑफ रोडिंग करते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है, आपका गाड़ी कहीं पर टच नहीं होगा सर, इतना इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। प्लस साइड बॉडी क्लैडिंग, ये आपको पूरा आपको यहाँ से लेकर के पूरा पीछे तक मिल जाता है, जिससे क्या है सर कि आपके गाड़ी में कुछ भी अगर पार्टिकल्स आता है तो गाड़ी में स्क्रैचेस नहीं होगा, ये यहीं पर आपको रोक देगा। और एक और चीज़ जहाँ तक मैं देखा, जैसा कि ये की है सेम एज सुजुकी है, लेकिन एक चीज़ जहाँ तक है, जैसे लॉक अनलॉक पर क्या होता है, ORBMs फोल्ड अनफोल्ड होते हैं, अगर इसके ORBMs अनफोल्डेड हैं तो लॉक करने पर फोल्ड तो हो जाएंगे लेकिन अनलॉक करने पर अनफोल्ड नहीं होता, इसका क्या थीमी को यूज़ किया गया? अनफोल्ड होने के लिए सर इसको आपको गाड़ी स्टार्ट करना पड़ता है सर, पावर स्विच करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली आपको ये हो जाएगा। ORBM का फंक्शन यही होता है
कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तभी ये ओपन होता है, क्योंकि ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए दिया है। आपका अननेसेसरी यूज़ अगर नहीं रहेगा ORVM का तो वो क्यों खुला रहेगा? जब आप स्टार्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, और जब आप लॉक करते हैं गाड़ी को तो वो फोल्ड हो जाता है। ये होता है सर ORVM का। तो ये प्रॉपर फंक्शन दिया गया है और काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया गया है इस फंक्शन के पीछे, और यहीं पर आपको कैमरा भी मिलता है जो 360 डिग्री के लिए बेनिफिशियल होता है। यहाँ पास एक कैमरा दिया है 360 डिग्री के लिए, आपको राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी वो कैमरा अवेलेबल है। 360 डिग्री मेनली आपको सर बहुत ये सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ किया है, क्योंकि आप अगर कहीं ट्रैफिक में जाते हैं या रिवर्स करते हैं या पार्किंग लॉट में आप गाड़ी पार्क करते हैं तो आपको चारों साइड के हमारा सैटेलाइट व्यू के द्वारा आपको दिखाता है। 360 डिग्री कैमरा आपका ऊपर से दिखाएगा और बॉटम साइड भी दिखाता है, अगर कोई डॉग वगैरह हो गया, कैट हो गया, बिल्कुल गर्मी के टाइम में या ठंडा के टाइम में नीचे सोए हुए रहते हैं तो वो भी आपको इसमें आराम से दिख जाएगा कैमरा व्यू में कि गाड़ी के अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट है या फिर डॉग है, एनिमल है, तो उस सेफ्टी पर्पस में भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। गाड़ी में आपको यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर्स भी ऑफर किए जाते हैं। सेंसर ऑफर है सर, अगर आपके पॉकेट में की है इसका ये यूज़ है सर, अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है या आप कैरी बैग कैरी किए हुए हैं अपने हैंड में, आप पॉकेट से अपना की नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये आपका एक बहुत ही डिसेंट टाइप का फंक्शन है जो स्मार्ट एंट्री इसको बोलते हैं हम लोग। इसका बटन प्रेस करके ये गाड़ी ओपन हो जाता है। 1 मीटर के डिस्टेंस में आपका की होना चाहिए तभी ये ओपन होगा। चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं इसके रेयर प्रोफाइल में। तो रेयर प्रोफाइल में सबसे पहले इस यहाँ पर भी आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा ग्रैंड विटारा और कार्बन कुजर हाई राइडर में। लुक वाइज तो आपको डिस्टिंग्विश करना है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है देखने में। सबसे पहला चीज़ अगर बात करें इसके रियर लुक का तो ये काफ़ी स्पोर्टी है सर। आजकल के यूथ ऐसे स्पोर्टी गाड़ी वांट करते हैं डीलरशिप से। कोई भी कंपनी चाहती है कि हमारा गाड़ी बिके। यूथ आजकल ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कार्स के लिए, तो उसी डिज़ाइन पे इसको लुक दिया गया है। आपका वो पूरा स्पोर्टी है, प्लस इसमें इसको स्किड प्लेट बोलते हैं, स्किड प्लेट दिया है, आगे भी है और पीछे भी, ताकि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट भी है तो स्क्रैच वगैरह नहीं है। प्लस इसका ये यहाँ पर जो दिया है ग्रिल, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। हाँ, ये सिल्वरिश फिनिश में है, सिल्वर टाइप का कुछ सिल्वर फिनिश में है। आप अगर टॉप मॉडल में जाते हैं हाइब्रिड के तो उसमें आपको क्रोम फिनिश में आता है। ये नियो ड्राइव को सेंस करने के लिए, मतलब कि हम लोग इसको देख करके बोल सकते हैं कि ये नियो ड्राइव गाड़ी, पहचान के लिए दे दिया गया। और नियो ड्राइव का यहाँ पर बैजिंग भी आपको आ जाता है, नियो ड्राइव टॉप मॉडल वी, जैसे अर्बन क्रूजर हाई राइडर। इससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अर्बन क्रूजर और अर्बन क्रूजर हाई राइडर में डिस्टिंग्विश करना बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। आज के डेट में लोग सोचते हैं कि अर्बन क्रूजर और अर्बन क्रूजर हाई राइडर एक ही गाड़ी। ग्रैंड विटारा का आप बात करते हैं ना, तो उसका आपको रियर लाइट जो है ये पूरा फुल आता है, बट हम लोग को डुअल स्प्लिट में देने का ये फंक्शन है ताकि अगर आप इसको ओपन करते हैं तो साइड जो रियर लाइट है ये भी जला रहे, ताकि कस्टमर्स को अगर कोई पीछे से भी आ रहा है गाड़ी या दूर से भी, काफ़ी फोकस्ड होता है ये। अगर हाईवे वगैरह पर काफ़ी यूजफुल फीचर है। मान लीजिए कि आप अगर बूट स्पेस ओपन करके अगर खड़े हैं, तो ये जो लाइट है ना टेल लाइट, ये भी आपका जला रहेगा। उससे क्या होगा कि पीछे वाले लोग को आसानी से गाड़ी विजिबल हो, कोई एक्सीडेंट का डर नहीं रहा। अब बूट स्पेस के बारे में बात करें, स्पेस का अगर बात करें तो इसका 288 लीटर का बूट स्पेस है, प्लस इसमें आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है 17 इंच का, जो काफी बिग लग रहा है। एक्सेसरीज टूल के साथ इसमें एक आपको लैंप भी दिया है और प्लस जो आप प्लस में एक एक्सेसरी सॉकेट 12 वोल्ट का सॉकेट भी आपको मिलता है। बूट स्पेस तो काफ़ी अच्छा इसका लगा। गाड़ी प्रॉपर SUV लुक आपको दे रही है, और जो भी कमी थी टोयोटा में वो भी आपको पूरा हो गया। एक कमी जो अधिकतर लोगों के रहती थी कि सनरूफ नहीं आता है, वो इस गाड़ी के साथ टोयोटा अकम्प्लिश कर चुकी है। सनरूफ भी है और बहुत ही वाइडली ओपन होता है ये। 56% इसका ओपन होने का ये है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इसका सनरूफ किस तरह से ओपन होता है और कितना स्पेशियस है। और पहली बार सनरूफ आया था, हम लोग के दिमाग में था कि छोटा सनरूफ दे दिया जाएगा, लेकिन इसमें भी पैनोरामिक सनरूफ यूज किया गया। तो टोयोटा हमेशा जब भी लाती है तो बेस्ट चीज लाती है। चलिए चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं कि क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाता है। इंटीरियर में आ चुका है। इंटीरियर आप सबसे पहले देख ले तो काफ़ी आपको लेविस इंटीरियर मिलता है, लग्जरियस मिलता है। टोयोटा में आप बैठे हैं तो आपको जितना पैसा आप लगाएंगे उतना वर्थ इट लगेगा। चलिए जानते हैं हम लोग शरद सर से ही कि आपको क्या क्या इस गाड़ी में
इंटीरियर में ऑफर किया जाता है। बिल्कुल सर, सबसे पहले अगर बात करें तो इसका स्टीयरिंग कमांड का बात करते हैं। ये आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ मिल जाता है, जो कि इस सेगमेंट की कोई गाड़ी में जल्दी नहीं आता है। ये टोयोटा है तो प्रोवाइड किया है इन्होंने। ये आपको हो गया टेलीस्कोपिक एंड ये टिल्ट, दो फंक्शन में आपको स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाता है। प्लस स्टीयरिंग में आपका ये कमांड है, ऑडियो कमांड है, प्लस इसमें क्रूज कंट्रोल देता है, क्रूज कंट्रोल भी अवेलेबल है। क्रूज कंट्रोल सेट करने का मोड इस तरफ से अवेलेबल है, और ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल है। प्लस इसमें आपका ये गाड़ी ऑटोमेटिक है, तो इसमें आपको पैडल शिफ्टर भी मिलता है, एक यहाँ पर प्लस का और एक माइनस का। आप इसके थ्रू अपने स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। प्लस अगर इसका एमआईडी का बात करें तो 7 इंच का एमआईडी आ जाता है सर। 7 इंच के एमआईडी में आपका फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पास से आप रिसेट कर सकते हैं, फ्यूल इकोनॉमी है, प्लस आपका क्या आरपीएम पे गाड़ी चल रहा है, कितना रनिंग हुआ है गाड़ी का, आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन का है इसमें दिया हुआ, प्लस आप वॉच लगा सकते हैं यहाँ पास, प्लस आपको कितना टॉर्क और कितना ये दे रहा है, पावर दे रहा है, वो भी आपका यहाँ पर शो करता है। अगर हम पावर एंड टॉर्क की बात करें तो गाड़ी का आपको 103 का पावर जनरेट करता है और टॉर्क 137 का है इस गाड़ी का। प्लस अगर ये ऑटोमेटिक में है तो सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पर पार्किंग का ऑप्शन है, रिवर्स का ऑप्शन है, न्यूट्रल है और ड्राइव मोड। और ये जो एम मोड है ये मीडियम आप रख सकते हैं। ये मतलब कि मेनली इसका यूज़ नहीं होता है, बट कभी कभी हम लोग कोई इंसिडेंट्स में हम लोग यूज़ करते हैं इस एम को। ज़्यादातर हम लोग को ड्राइव मोड में ही चलना होता है। ड्राइव मोड में शिफ्ट करके आप गाड़ी आराम से चला सकते हैं। प्लस इसका अगर बात करें तो यहाँ पर जो की दिया है ये आपको वॉइस असिस्टेंट के लिए, अगर आपको कहीं कॉल करना है या कॉल रिसीव करना है तो यहाँ पास से एक बटन दिया है, आप उससे कॉल रिसीव कर सकते हैं। और यहाँ पास अगर प्रेस करेंगे तो ये वॉइस कमांड है। अगर आप अपने गाड़ी को कुछ भी बोलना चाहते हैं हे टोयोटा करके, तो वो आपको असिस्ट करेगा। जो आपका म्यूज़िक सुनना है, अगर एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट है इसमें, एप्पल ऑटो कनेक्ट है, तो आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम का हम बात करें तो 9.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, जिसमें बहुत तरह का फीचर आता है जो हम आपको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा सर। सिंपली मैं जाता हूँ इसमें, यहाँ पर आपको मेन आपको कनेक्ट करने का आ जाता है, एवरेज क्या दे रही है गाड़ी की वो आ जाएगा, कितना किलोमीटर आपका गाड़ी चल रहा है, रेंज क्या है गाड़ी का वो बता देगा, कनेक्ट करना है वो है फंक्शन इसमें दिया हुआ। अगर हम फ़ोन कनेक्ट कर लेते हैं, प्लस इसमें आपको आर्किमीज़ का साउंड सिस्टम लगा है सर। आर्किमीज़ एक सॉफ्टवेयर होता है, उसी पे ये बिल्ड है सर गाड़ी। अगर इसकी IRVM की बात करें तो ये भी ऑटो है, जो कि रात में इसका यूज़ होता है। अगर पीछे से कोई लाइट आपको पड़ती है गाड़ी की तो वो इफ़ेक्ट इसको कम करके आपके आँख पे चुभन नहीं आता है सर, इसलिए ऑटो IRVM दिया जाता है। प्लस इसमें आपको सनग्लास होल्डर है, ये भी बहुत प्रीमियम फीचर्स है, सभी गाड़ी में नहीं, जितनी भी प्रीमियम गाड़ियाँ आती है उसमें भी आपको उसी में आपको ये मिलता है। प्लस ये लाइट हो गया आपका। अगर इसका बात करें तो इसमें भी आपको एक लाइट दिया, आप अपना ग्रूमिंग कर सकते हैं। नाइट के टाइम में अगर आपको मिरर देखना है तो यहाँ पर लाइट का फंक्शन है जो आपके चेहरे को ग्रूम करने में हेल्प करता है। अगर इसका सनरूफ, जो मेन चीज़ है सर हमारा सनरूफ, आजकल के लोग सनरूफ बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि सनरूफ एक कोई ख़ास नीड तो है नहीं सनरूफ का, बट एक लोग का सोच हो गया है कि मुझे सनरूफ चाहिए गाड़ी में। तो इसका सनरूफ का अगर बात करें तो ये एंटी पिंच है, एक बार मैं पिंच करता हूँ तो ये ओपन हो जाता है सर। पर 6 वे में इसका सीट एडजस्ट हो सकता है सर। ये मैं एक डाउनसाइड यहाँ पास डाउनसाइड हो जाएगा, प्लस आपका एडजस्ट करना है अगर आपको पीछे के साइड तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा, प्लस रिक्लाइन भी हो जाएगा सीट। 6 वे सीट एडजस्टेबल है ये सर। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि आपको बकेट फिटिंग सीट्स मिलते हैं, बकेट फिटिंग कंप्लीट लेदराइट आपको सीट्स मिलेगा। और सेफ्टी पर्पस की अगर बात करें तो सर गाड़ी में 6 एयरबैग्स है, एक एयरबैग यहां पास होता है, एक स्टीयरिंग पे होता है दोनों कर्टन के साइड, एक एक यहां और एक आपको यहां पर सीट के साइड में मिलता है, दोनों सीट के ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड में आपको एयरबैग मिल जाता है, टोटल 6 एयरबैग्स मिल जाता है। प्लस इसका अगर बात करें तो यहां पास एक होल्डर है, इसमें भी ये काफ़ी स्पेशियस है सर, इसमें आप कुछ भी कैरी कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो ये वो गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर का लुक। इंटीरियर में अगर आप देखें तो काफ़ी आपको लेविस इंटीरियर मिलेगा, अगेन मैं बोल दूँ, क्योंकि गाड़ी अभी टोयोटा में जो पहले पर्सनल व्यू से कहा जाता काफ़ी आपको नॉर्मल नॉर्मल सा मिलता था, यूज टू लगता था,
केवल कि हर एक फीचर डाल दिया है, लेकिन उतना फैंसी टाइप का नहीं लगता था, लग्जरियस जरूर लगता था। लेकिन इस बार कंप्लीट फैंसी, लग्जरियस और यूथ के अकॉर्डिंग हर एक फीचर को डाला गया है। और एसी वेंट्स के साथ भी बात करें तो आपको कंप्लीट ऑटोमेटिक एसी वेंट्स दिया गया, और ये जो कंसोल दिया गया है वो काफ़ी लग्जरियस देखने में लगता है। और MID में जैसे आप बात किए तो MID का जो थीम यूज़ किया गया है वो जो ब्लैक एंड वाइट थीम है, जो काफ़ी ओल्ड स्कूल का लगता है देखने में और देखने में अच्छा लगता है। ये नहीं होता कि लाल, रेड, ब्लू, व्हाइट, काफी अट्रैक्टिव लुक है सर और काफी फोकस्ड है। देखिए लोग आजकल मतलब कि अट्रैक्टिव कुछ खोजते हैं, बट सबसे बड़ी चीज होती है सर विजिबिलिटी। तो इसका विजिबिलिटी काफी क्लियर होता है, अगर आप इसमें फोकस करके आप दिखाइएगा तो इसमें सारा कुछ आपको एकदम आसान से दिखेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर कुछ भी देखने में, क्योंकि काफी फोकस्ड है ये। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस गाड़ी के बाहर की ओर और इसके जानते हैं कि इंजन क्या है, क्योंकि गाड़ी में अंदर कोई नॉइज नहीं है जैसे गाड़ी अभी स्टार्ट है। बिल्कुल, तो हम लोग बाहर चलते हैं इंजन के बारे में। जीरो NVH है सर, नॉइज, वाइब्रेशन एंड हार्शनेस बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी में। हाँ, तो हम लोग बाहर चलते हैं इंजन के बारे में जानते हैं कि कितना सीसी का इंजन इसमें मिलता है और क्या माइलेज वगैरह गाड़ी प्रोड्यूस करता है, वो भी हम लोग जान लेते हैं। ओके, लिए गाड़ी का इंटीरियर देख लिए, एक्सटीरियर देख लिए, और गाड़ी काफ़ी लेविस है और बाहर से भी काफ़ी लेविस है, और गाड़ी में काफ़ी सारे फंक्शन अभी आपको मिलते हैं। अंदर में देखें कि काफ़ी बड़ा स्क्रीन आपको ऑफर करने लगा है, और टोयोटा में सबसे पहली बार आपको सनरूफ भी ऑफर करने लगी है कंपनी, और वो भी पैनोरामिक सनरूफ के साथ टोयोटा इस गाड़ी के साथ मार्केट में उतरी है। तो टोयोटा जब भी करती है अपने बेस्ट करती है। अब चलिए भैया से जानते हैं, सर से जानते हैं कि हम को इसका इंजन रिलायबिलिटी तो काफी टोयोटा में मिलता है, तो कितने सीसी का इंजन मिलता है, क्या पावर प्रोड्यूस करता है, और अगर मुझे इस गाड़ी को लेना हो तो कहां मैं आऊं, कैसे मैं कांटेक्ट करूं, और क्या प्राइस में मुझे ये गाड़ी अभी मिल जाएगा, क्योंकि दिसंबर एंड चल रहा है, दिसंबर के बाद अगर आप लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्राइस में हाइक जरूर से जरूर मिलेगा। प्राइस में आपको 2-3% का इंक्रीजमेंट होगा जनवरी में। तो सबसे पहले आप इनके इंजन के बारे में बता दीजिए, क्या पावर आपको सारा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आपको 1.5 लीटर का के सीरीज इंजन आ जाता है और 4 सिलेंडर के साथ ये गाड़ी आता है सर। इसका अगर पावर का बात करें तो 100 का पावर जनरेट करता है 137 NM टॉर्क के साथ। प्लस इसका अगर आप यहाँ पर देखते हैं गाड़ी का अंदर का जो स्पेसिफिकेशंस है, इंजन का जो फंक्शन है, जो बिल्ट है, वो काफ़ी स्पेशियस है। स्पेशियस कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि सर्विसिंग में कोई परेशानी ना है, इसलिए इसको स्पेशियस बनाया है सर, ताकि कोई भी अगर फॉल्ट होता है तो इजली हम उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये एक और रीज़न कि ये पेट्रोल में भी आता है और डीजल में भी आता नहीं है। नहीं सर, ये सिर्फ पेट्रोल में ही 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन में ही आता है सर। पेट्रोल इंजन भी आता है, ऊपर से आपको यहाँ पर क्लैडिंग भी मिलता है, ताकि अंदर में कोई भी नॉइज़, आपको कैसा भी अगर थोड़ा भी आवाज़ इंजन करता है तो वो भी आपको आवाज़ अंदर नहीं आएगा। बिल्कुल, इसको बंद कर देते हैं पहले। काफ़ी इसका अगर वेट का बात करें तो काफ़ी वेटी है, काफ़ी क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि अभी टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन बोनेट के अंदाजा से लगा लिए कि काफ़ी हेवी बोनेट इसका दिया गया, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। अब इसके प्राइस के बारे में बात करें तो क्या प्राइस मिलता है? प्राइस का बात करें सर, ये डुअल टोन ऑप्शन में है, ऑटोमेटिक है, तो इसका आपको 20,22,000 ऑन रोड प्राइस है। ये अभी दिसंबर के लिए है और एप्लीकेबल ऑफर्स भी शायद कुछ चल रहे होंगे? नहीं सर, अभी ग्रैंड हाईराइडर में तो कोई ऑफर नहीं है सर, क्योंकि अभी न्यूली लॉन्च कार है, तो इसमें क्या ही ऑफर रहेगा सर, गाड़ी अभी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे कस्टमर को। तो ये अभी दिसंबर के लिए ये प्राइस है, कहीं ना कहीं जनवरी जैसे ही आएगा, साल चेंज होगा, वैसे ही प्राइस में हाइक जरूर से जरूर है। और अगर इसका हम कलर का बात करते हैं तो इसमें 7 सिंगल टोन कलर आता है एंड 4 डुअल टोन कलर आता है, यानी जैसे कि ब्लू एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लैक, ये आपको यानी कि पूरा आपको मिलाकर बोले तो 11 कलर ऑप्शंस में आपको ये गाड़ी प्रोवाइड की जाती है। और गाड़ी का एक बार आप अगेन एक्सटीरियर लुक देख लीजिए, गाड़ी सामने से काफ़ी लेविस है और गाड़ी में हर एक फीचर आपको मिल जाता है जो आज की यूथ के अकॉर्डिंग है, और इसका बिल्ड क्वालिटी प्लस में SUV लुक, और आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है उससे आपको कहीं भी ऑफ रोडिंग में या फिर नॉर्मल रोड में, हाईवे, ट्रेन, हर एक ट्रेन के लिए ये गाड़ी बनाया गया है, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और पावर टॉर्क भी काफ़ी अच्छा गाड़ी प्रोड्यूस करके देता है, पावर टॉर्क एक बार आप अगेन से रिपीट कर देते। पावर इसका सर 103 का पावर है और 137 NM टॉर्क है, जो कि 1.5 लीटर के लिए एनफ होता है सर। और इसमें एक और चीज़ की आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छा पेट्रोल इंजन में माइलेज इसका 19.39 का क्लेम करती है किलोमीटर पर लीटर,
19.39 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि काफ़ी अच्छा माइलेज आपको एसयूवी की तरफ से मिलता है। आप कितने भी रफ ड्राइव कीजिएगा तो आपको 16-17 तो कैसे भी निकाल के गाड़ी दे ही देगी। और इसका एक और आता है जो मैं प्रीवियस में वीडियो डाल चुका हूँ, रेड कलर का हाईराइडर का स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम के साथ, उसमें इसका आपको एवरेज 27.97 किलोमीटर पर लीटर, क्योंकि वो बैटरी पर वर्क करता है। इसमें 177 वोल्ट का बैटरी लगा होता है, ये माइल्ड हाइब्रिड है, इसमें 12 वोल्ट का बैटरी लगा होता है, जिसका आपको फंक्शन आइडल स्टार्ट स्टॉप ब्रेक रीजनरेशन एंड टॉक असिस्ट, ये तीन फंक्शन पे काम करता है सर 12 वोल्ट का बैटरी। तो काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को सरहद सर से जानकर गाड़ी के बारे में, काफ़ी सारे चीज़ हम लोग भी सीखे और कोशिश किए कि आपको भी एक लेवल ऊपर सारा चीज़ सिखा सके, क्योंकि हम लोग को जितना नॉलेज था उसे कई गुना ज़्यादा नॉलेज हमारे सरहद सर को है, टोटा ऑफिशियल्स को है। तो आज हम लोग कोशिश किए कि उनसे जाने गाड़ी के बारे में, गाड़ी के बारे में काफ़ी सारा चीज़ जान गए, हम लोग भी सीख गए। तो ये था ऑल अबाउट टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर। अब आपको डिस्टिंग्विश करने में आसान हो गया होगा कि ग्रैंड विटारा लेना चाहिए, अर्बन क्रूजर हाईराइडर लेना चाहिए। अब आपके पर्सनल व्यू के ऊपर है आपको कौन सा गाड़ी ज़्यादा पसंद आता है। बाकी यही था ऑल अबाउट अर्बन क्रूजर हाईराइडर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।